तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करेंसी कलेक्टर पे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 वेयर्ड एंड बिजर्ब बैंक नोट्स, मतलब अजीब अजीबो गरीब और विचित्र नोट जो कि आपको उन नोट की तरफ आकर्षक करेगा। और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और इन नोट्स को आप लोग हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे। और ये जो वीडियो गाइस मैंने बहुत ही रिसर्च और मेहनत करके बनाया, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इन नोट का जो फीचर्स है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑर्डर इनका डिसाइड किया है। तो गाइस बात करते हैं अब हमारे 10वें नंबर बैंक नोट के बारे में, जो कि है गाइस 20,000 जायरे कॉन्गो का। तो इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये नोट हमारे इस लिस्ट में क्यों है। तो ये बात है गाइस 1997 की, जब वहाँ के प्रेसिडेंट जोसेफ मोबुतू का राज खत्म हो गया था। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए उन्होंने अफ्रीकन कंट्री ऑफ जायरे का नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कर दिया। तो उसके बाद से गाइस उनका जो पोर्ट्रेट था, जहाँ पे आपको नोट का पिक्चर देखने को मिल जाता है जोसेफ मोबुतू का 20,000 जायरे में, तो उनका जो पोर्ट्रेट है गाइस उसको पंच आउट करके, मतलब उनका जो पिक्चर है उसको काट के फिर से उस नोट को जारी किया गया। वही जो नोट गाइस उनका पोर्ट्रेट काट के आपको आजकल सर्कुलेशन में भी वो नोट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने इस नोट को इस लिस्ट में शामिल किया। तो गाइस बात करें हमें 9वें नंबर बैंक नोट के बारे में, तो वो है गाइस 5 कैनेडियन डॉलर। तो उस नोट में गाइस आपको एक मैपल लीफ देखने को मिल जाता है सामने की तरफ, और लेजर लाइट अगर आप लोग उस पर पॉइंट करके देखेंगे तो गाइस उसका जो रिफ्लेक्शन है गाइस उसमें आपको देखने को मिल जाता है नोट का फेस वैल्यू, जो कि गाइस इस नोट को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। बात करें हमारे 8वें नंबर बैंक नोट के बारे में, तो गाइस ताइवान का $50। तो ये नोट गाइस इसलिए खास है क्योंकि इसमें आपको नोट के भीतर नोट देखने को मिल जाता है। तो ये जो नोट के भीतर जो नोट है, इस नोट को ये नोट बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है। इस नोट का जो फीचर है गाइस ये शायद ही आपको किसी और कंट्री के नोट में आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने इसको 8वें नंबर में शामिल किया अपने लिस्ट में। तो गाइस बात करें मैं 7वें नंबर नोट के बारे में, तो वो है गाइस बहामास का 50 सेंट्स और फिलाडेल्फिया स्टेट का $1/6। तो ये नोट गाइस इसलिए अनकॉमन है क्योंकि गाइस अगर आप लोग इंडिया से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 रुपया और वहाँ पे $1 का आपको नोट देखने को मिल जाता है, बट वहाँ का जो 50 सेंट्स मतलब वहाँ पे पैसा टाइप का हुआ, तो यहाँ पे आपको उसका कॉइन देखने को मिल जाता है। तो ये गाइस इसलिए अनकॉमन लगा, तो सोचा मैं इसको आपको लिस्ट में दिखा देता हूँ। और ये नोट गाइस 50 सेंट्स का है और $1/6 का है, जो कि गाइस थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में कि इनके भी नोट होते हैं। तो गाइस बात करें हमारे 6वें नंबर नोट के बारे में, तो वो है गाइस जर्मनी का 25 मार्क, जो कि 1921 का है। तो इस नोट का खासियत ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग को कॉमनली नोट बने हुए देखने को मिल जाता है कॉटन का, प्लास्टिक का, पॉलीमर का और एक्सेट्रा, ऐसे आपको कई सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाता है। बट ये जो नोट है गाइस ये आपको देखने को मिल जाता है सिल्क और लेदर का मिक्सचर से, और जिसमें आपको सिल्क ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस नोट को बहुत ही ज़्यादा अलग बना देता है दूसरा नोट से, इसलिए मैंने इस नोट को इस लिस्ट में शामिल किया। तो गाइस बात करें मैं 5वें नंबर नोट के बारे में, तो वो है गाइस जर्मनी का जोई मार्क, जिसका मतलब होता है 2। तो जर्मनी में 2 को जोई बोलता है, तो इसका नाम है जोई मार्क। तो इसका नोट आप लोग को देखने में समझ आ जाता है क्या अनकॉमन है, बट बात ये नहीं है। बात ये कि गाइस जब आप लोग इस नोट में देखेंगे तो गधा जो कर रहा है वो एक्चुअल में सोना है। जो नोट है गाइस आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा सा अनकॉमन सा देखने को मिल जाता है, तो इसलिए मैंने इस नोट को इस वीडियो में शामिल किया। तो गाइस बात करें मैं 4वें नंबर नोट के बारे में, तो वो है गाइस 1000 फ्रैंक्स एंड 500 फ्रैंक्स, जो कि स्विट्जरलैंड के 1950s के टाइम का है। तो उसमें गाइस आप लोग पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है कुछ स्केलेटन्स, वुमेन्स और कुछ मेन्स आपको, और एंजल आपको देखने को मिल जाता है जो कि वहाँ पे नाच रहे होते हैं मरने के बाद। तो ये गाइस थोड़ा सा नोट थोड़ा सा अनकॉमन सा बनाता है दूसरा नोटों के मुकाबले, इसलिए मैंने इन नोटों को इस में शामिल किया। नोट जारी करने का इंटेंशन वो लोग का मजबूरी और इमरजेंसी ऐसा सिचुएशन था कि उन लोग को ये नोट जारी करना पड़ा। तो गाइस बात करूँ मैं 3रे नंबर नोट के बारे में, तो वो है गाइस कैनेडा का $1000। तो ये नोट में गाइस अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आप लोग गाइस इसी का ही सेम दूसरा डॉलर से अगर आप लोग कंपेयर करके देखेंगे एलिजाबेथ के चूल को, मतलब उनके बालों को जब आप कंपेयर करके देखेंगे, तो पहला वाला जो आगे नोट निकला था उनमें आपको उनका बालों में एक डेविल का पिक्चर देखने को मिल जाता है, जो कि उनका चूलों में मैंने हाईलाइट आपको करके दिखाया हुआ है। और
ये नोट गाइस थोड़ा सा हॉरिफाइंग करता है कि उनका चूल्हों में ये कैसे हुआ। तो इस डर के लिए इस नोट को फिर से जारी किया गया, जिसमें आपको उनका बाल ठीक किया हुआ देखने को मिलता है। बात करें गाइस हमारे दूसरे नंबर नोट के बारे में, तो वो है गाइस बिटकॉइन मैग नोट्स। आप लोग ने सुना होगा गाइस बिटकॉइन डिजिटल ही होता है, बट ये जो नोट है गाइस ये फिजिकल है, जो कि सिंगापुर में अभी सर्कुलेशन में भी है। आपको देखने को मिल जाता है 0.01, 0.05 ऐसा आपको देखने को मिल जाता है नोट। और ये जो नोट है गाइस वहाँ पर अभी सर्कुलेशन में चल रहा है। और थोड़ा सा हैरानी का बात है कि इन्होंने डिजिटल करेंसी को फिजिकल करेंसी में बदल दिया और ये अभी चलन में है वहाँ पर। और इन नोट को कहा जाता है वहाँ पे स्मार्ट बैंक नोट, जिसका आप लोग मैकेनिज्म सामने पिक्चर में दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस बात करें हमें पहले नोट के बारे में, तो गाइस जर्मनी का 50 फेनिक। तो ये नोट गाइस देखने में बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग और डरावना लगता है कि ये स्केलेटन इस आदमी के साथ क्या कर रहा है, क्या काला जादू और क्या मिस्ट्रीज क्या कर रहा है ये। तो ये जो इस नोट है गैस ये एक्चुअली नॉटजल्ट नोट मनी भी बोला जाता है, जो कि गैस इमरजेंसी सिचुएशन में ये जारी किया गया था। उस टाइम गैस ये एक्चुअली बहुत साल पुराने का बात है, जब हिटलर का ख़त्म होने वाला था, तब उस टाइम ऐसा सिचुएशन आ गया था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था उस कंट्री में। तो उसी सिचुएशन को गाइस दिखाने के लिए ये नोट जारी किया गया था, जो कि बताता है कि उस टाइम का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हॉरीफाइंग और डेंजरस था। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इनमें से आपको कौन सा नोट सबसे अजीब लगा और विचित्र लगा ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और हमारी मेहनत और रिसर्च आपको अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ कि ऐसे रकम के नोट्स भी होते थे। और अगर आप लोग चाहें तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ घंटे का बटन को प्रेस करके ऑल में कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई फॉरेन कॉइन्स और इंडियन कॉइन्स रिलेटेड डिटेल्ड एनालाइज्ड वीडियो लेके आए आपके पास सबसे पहले जरूर जाए। तो और स्टे सेफ गाइस, क्योंकि अभी जैसे कि जानते हैं कि गाइस कोविड का बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन चल रहा है, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लेते रहिए और ध्यान रखिए अपना।